दोस्तों ऋषभ पंत के जल्द ठीक हो जाने के लिए कुछ क्रिकेटरों ने मंदिर में जाकर मांगी दुआ। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं ऋषभ पंत के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऋषभ पंत का रुड़की जाते हुए एक्सीडेंट हो गया। दरअसल ऋषभ पंत दिल्ली में ठहरे हुए थे, लेकिन तभी उनको ख्याल आया कि वो अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए अपने गाँव जाएंगे। तब दोस्तों अपनी कार से वो निकले और रुड़की जो कि दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर है वहां पर वो जा रहे थे। लेकिन सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे जब उनकी कार काफी स्पीड से निकली तो उनकी कार जाकर एक डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने की वजह से उनकी कार में आग लग गई। कार में आग लगने की वजह से ऋषभ पंत को भी काफी ज्यादा दिक्कतें हुई और ऋषभ पंत को काफी खतरनाक चोट आई है। अब दोस्तों ऋषभ पंत के जल्द ठीक हो जाने के लिए भारतीय क्रिकेटर्स दुआ मांग रहे हैं। कौन कौन से क्रिकेटर्स, आइए उनका नाम जान लेते हैं। विराट कोहली ने बताया है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ पर सुन के कि ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हो गया। अब वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द फिट हो जाएं, क्योंकि ऋषभ पंत के बिना उन्होंने कहा कि टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम सुनना लगेगा। उसके अलावा दोस्तों रोहित शर्मा को भी मंदिर में देखा गया, जहाँ बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की मन्नत मांगने गए थे। उसके अलावा शिखर धवन और ऋषभ पंत के बीच की जो दोस्ती थी उसकी वजह से शिखर धवन भी काफी परेशान है और वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत फिट हो जाए और टीम इंडिया के लिए फिर से क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत जल्दी से फिट होंगे या अभी टाइम लगेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।